सो हेलो पीपल, मेरा नाम है नवनीत राज और आप देख रहे हैं नववर्ड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेट के बारे में। तो अगर आप नहीं जानते कि एसेट क्या है तो वीडियो को टिल एंड देखते रहे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि एसेट क्या होता है। तो एसेट के बारे में जानने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। इस वीडियो में जिस एसेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एसेट रिच डैड पुअर डैड वाले एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि ये प्योर बिजनेस टर्म में जो यूज़ किया जाता है एसेट, मैं उस एसेट के बारे में बात करूँगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जिस तरह एक इंसान से चीज़ें बिलोंग करती हैं, उसी तरह कंपनीज़ के लिए के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनसे बिलोंग करती हैं। जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका घर हो गया, आपके गाड़ी हो गई, उसी तरह कंपनीज़ के भी अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उससे बिलोंग करती हैं। जैसे कि कंपनीज़ का कैश इन हैंड हो गया, जैसे कि कंपनी के आपके बिल्डिंग्स हो गए, जैसे कंपनी के इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरीज हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई जो कंपनी से बिलोंग करती हैं, जिस तरह इंसान से कुछ बिलोंग। नाउ अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हर वो चीज़ जो कंपनी से बिलोंग करती है वो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी का एसेट हो। इसके लिए भी कुछ बेंचमार्क्स हैं जो कि ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी का कोई भी ऐसा चीज़ जो उससे बिलोंग करता है और उस चीज़ को आप पैसों में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हम कंपनी का एसेट बोलेंगे। आप मशीनरीज़ को बेच के उसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कंपनी के प्रॉपर्टीज़ को या फिर कंपनी के ऑफिस को सोल्ड आउट करके आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी से बिलोंग करती हैं, जैसे उसका ब्रांड नेम हो गया, जैसे कि उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, लेकिन आप एम्प्लॉयज़ को सोल्ड आउट नहीं कर सकते तो ये एसेट नहीं है। लेकिन जहाँ तक ब्रांड नेम का बात अगर आप देखो तो ब्रांड नेम को आप सोल्ड आउट कर सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ब्रांड नेम सोल्ड आउट नहीं हो पाता अगर कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो। अब जब कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है तो उसका ब्रांड नेम सोल्ड आउट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में बैंकक्रप्ट होने के बाद भी कंपनीज़ का ब्रांड नेम सोल्ड आउट होता है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ब्रांड नेम सोल्ड आउट होकर कैश में कन्वर्ट हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कह सकते हैं कि वो ब्रांड नेम भी एक एसेट था कंपनी के लिए, लेकिन चीज़ जो कंपनी से बिलोंग करती है वो एसेट नहीं होती है और इसीलिए ब्रांड नेम को फिक्स्ड एसेट नहीं बोलोगे। और साथ ही साथ मैं अगर इस वीडियो को पूरी स्किम करूं तो आप इसे एक लाइन में समझो कि कंपनी के लिए एसेट वही चीज़ें होती हैं जिसे बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और एसेट्स भी समझ में आ गए होंगे। मैं इस वीडियो में जितने भी बिजनेस टर्मोलॉजी है उसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा और बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं जो आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।